नाम सबसे सब में मैं स्काई ट्यूटोरियल से स्काई ट्यूटोरियल नाम सुना था नहीं सुना दुर्गा कुंड पे है 1500 पुरानी कोचिंग है और जो भी टीचर्स है स्काई किड्स की मैडी कोर्स है जो हमारे स्कूल में 1500 से पढ़ा रहे हैं ठीक है जिनका एकेडमिक एक्सपीरियंस 20 से 25 साल का है। मैं यहाँ पे पर्क कीपिंग का फर्स्ट राउंड का टेस्ट है यहाँ इस टेस्ट में जो भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके नंबर के अकॉर्डिंग स्कॉलरशिप कार्ड है जो बच्चे फर्स्ट सेकेंड थर्ड करेंगे उनको प्राइम मिनिस्टर करेंगे ठीक है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है 10 दिसंबर को हमारे सेंटर एक टेस्ट कराएंगे परत 50 का सेकेंड राउंड का टेस्ट ठीक है। परत से ही आपको समझना अपने आप को परतना है सेकेंड राउंड का टेस्ट है उस टेस्ट से आपको फायदा है अगर आप अंडर 50 आते हो तो लॉजिंग फूडिंग एजुकेशन तीनों कोचिंग की तरफ से फ्री हो जाएगा कोई चार्ज आपको बेयर नहीं करना। हम लोग हर एक साल 50 बच्चों को रहना खाना पढ़ना देते हैं और देने का फायदा भी होता है मुझे भी होता है बच्चों को भी होता है मुझे अच्छे बच्चे मिलते हैं और हम उन पर रिजल्ट दे पाते हैं ठीक है। और जो भी हमारे टीचर्स हैं आईटीएमसी मैडिक कोच हैं और हमारे इंस्टीट्यूट में 1500 से पढ़ा रहे हैं जिसका दे रहे कि लास्ट ईयर अगर रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट में जेई एडवांस में 35 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है 20,000 रैंक के अंदर 20 बच्चे मेडिकल की अगर बात करें तो मेडिकल में 61 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जो आपके बीएचयू से भी बच्ची है जिसका हाईएस्ट हमारे इंस्टीट्यूट से मेडिकल में गया था 685 हाईएस्ट था 3 बच्चों का था 685 तो आप भी उसका हिस्सा बन सकते हो तो एक अच्छा गाइडेंस आपको मिलना चाहिए और अच्छे इंस्टीट्यूट मिलने चाहिए। बहुत सारे हैं इंस्टीट्यूट सबका अपना अपना एक फंडा होता है हमारे यहाँ आपका एक ऑल इंडिया स्काई किड्स लीग भी होता है जिसको बच्चे बाहर के बच्चे भी ज्वाइन करते हैं हर इंस्टीट्यूट के आगे आप लोग जो परत 50 का जो सेकंड राउंड का टेस्ट हो रहा है एडमिशन लेना ना लेना डजन नहीं लेकिन आप लोग पार्टिसिपेट करो पार्टिसिपेट करने दो फायदा होंगे पहला आपका फायदा टैट पर अकेडमी कैसी बने अच्छे से तैयारी हो जाएगी दूसरा अगर एग्जाम निकल जाते हैं तो आपको रहना खाना पढ़ना तीनों फ्री हो जाता है नहीं भी होता है तो आपको लेवल मालूम चलेगा कि हमारे कितनी तैयारी हो पाएगी और कितने बच्चों में हमारा कौन सा रैंक है चूँकि ये एग्जाम थोड़ा सा टफ टफ इसलिए कि बनारस से सटे तो ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के बच्चे ठीक है। हर बच्चा अपने आप में चैलेंज करता है कि मैं 100 क्वेश्चन करने का ताकत रखता हूँ तो वैसे बच्चों के बीच में आप लोग भी बैठोगे आप लोग भी अच्छे बच्चे हो बनारस के सिटी के बच्चे हो तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से बच्चे हमारे परत 50 में पार्टिसिपेट करो और रिजल्ट दे हर साल बनारस के CHS से बच्चे हमारे यहाँ रहते हैं और CHS से अभी हमारे 29 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था उसमें CHS का बच्चे ही बनारस से टॉप किया है और DLW इंटर कॉलेज KV नहीं DLW इंटर कॉलेज तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी पार्किंग डिस्टेंस से ज़्यादा है पैदल हुए जाओ 15-20 मिनट पहुँच तो जब दूर से बच्चे आ रहे हैं करीब 40-50 किलोमीटर दूर से आप लोग को नजदीक के बच्चे हो तो आप लोग पार्टिसिपेट करो बहुत अच्छा एग्जाम होता है एडमिशन लेना या ना लेना ठीक है। लेकिन आप लोग जब पार्टिसिपेट करोगे तो अपना एक रैंक देख पाओगे लेवल देख पाओगे ठीक है। तो 10 दिसंबर टाइमिंग 11 से 1 है रिपोर्टिंग टाइमिंग 10 बजे है अगर आपको कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मैं अपना नंबर भी दे दूँगा और बहुत ज़्यादा अगर डिस्कशन करना हो तो आप सेंटर पर जाकर डिस्कस कर सकते हैं मैं मिलूंगा वहाँ पर शाम से होंगे या फिर आपके रिसेप्शन पे जो भी मैम होंगे आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं ठीक है। तो आप लोग पार्टिसिपेट करो फिर रिजल्ट इसका मैं कोशिश करता हूँ 10 दिसंबर के पहले दे दूँ अगर पॉसिबल होता है तो नहीं होता है तो आप लोग इसको रिमाइंडर में लेना 10 तारीख को 11 से 1 है ठीक है। तो 10 बजे रिपोर्टिंग टाइमिंग चूँकि सी अरेंजमेंट भी करने होते हैं काफ़ी भीड़ होता है हम लोगों ने कराया तो 2500 बच्चे पार्टिसिपेट किए ठीक है और उनका रिजल्ट भी हम लोगों ने शो ऑफ कर दिया है पूरा वेबसाइट पे है कितने बच्चों को हमने स्कॉलरशिप दिया है वो सारा मेंशन है। अभी 26 तारीख को इंटरव्यू हुई है जो बच्चे हमारे सेलेक्ट किए ठीक है। और टीचर्स भी हमारे हर सब्जेक्ट के 4-4 टीचर तो बहुत सारी चीज़ें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए यहाँ पर दे नहीं सकते क्योंकि टाइम का थोड़ा सा इशू है तो फिर नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो आपको जो भी मन में क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं ठीक है। तो केस स्टार्ट करता हूँ और इसमें जो भी अच्छा स्कोर करोगे उसको प्राइम स्टूडेंट कर रहे हैं और बाकी जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं नंबर के अकॉर्डिंग कार्ड आएगा सर्टिफिकेट बन गया ठीक है।